लॉकडाउन की वजह से पिछले 88 दिनों से इंदौर के सैलून्स बंद हैं, जिसके चलते सैलून मालिक और उनके ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। शहर के सैलून्स को खोलने के लिए बुधवार को मध्य प्रदेश सैलून एसोसिएशन के लोगों ने बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के नेतृत्व में कलेक्टर, डीआईजी और जनप्रतिनिधियों के साथ रेसिडेंसी कोठी पर एक बैठक की। इस बैठक में मध्य प्रदेश ब्यूटी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीता जायसवाल ने सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के समक्ष इंटरनेशनल गाइडलाइन के अंतर्गत सैलून्स खोलने की मांग की है। होगा कि सैलून्स को कब से खोला जाता है और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन में कौन से नए नियम होंगे।